प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के विभिन्न एजेंटों की क्रमवार समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा कैच द रेन के जागरूकता अभियान की भी जानकारी हासिल की और जल संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों और संसाधनों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। तो इसका भी नहीं है, मतलब कोई सही चीज आया से जो CSC वाला है, कल तक आना था 15 अगस्त तक। ये बता रहा है केंद्र से कर रही है डेवलपमेंट में खुशी है तो हम ऊर्जा मीटिंग में विषय उठाऊंगा डेवलपमेंट नहीं करता है कि आपका जो हम लोगों ने इस खेत में प्लांट शिफ्ट करने की बात कही है सर, वहीं पे सिर्फ सिविल वर्क पेंडिंग रहेगी। उसके अलावा कभी कहीं भी केंद्रीय संस्थाओं का काम पीछे नहीं हुई साइड डेवलपमेंट जगह दो जगह हम लोग इसके पहले ही मना कर दिया है SIC ने। प्लांट ऑलरेडी आ गया है BSNL के नेटवर्क में इशू आया सर, बात कर रहे हैं। पूर्वांचल के जिले हैं वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किंतु बाढ़ के दौरान सामान्यतः बड़ी नावों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बारे में निर्देश पहले से ही जारी किए गए हैं राज्य सरकार ने। बहुत छोटी नावों में जब बहुत ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो नाव डूबने की आशंका रहती है और उसे कई बार स्थानों पर बिजली की उपलब्धता भी देखी जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी बरसने से या जलभाव होने से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हाल ही में लखनऊ जनपद में ये प्रकाश में आया था कि सीवन लाइन के लीकेज होने से और सीवन लाइन और जो पेयजल की पानी की लाइन है जब भी सीवर लीकेज होता है और अगर उसमें ड्रिंकिंग वाटर की लाइन निकलती है तो ड्रिंकिंग वाटर की पाइप में सीवर का पानी जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो
ब्लड प्रेशर से अपने आप उसमें पानी आ जाता है। इसके बाद एक बार जब उसे फैलाते हैं ताकि यही भी पेटल की सप्लाई में दूषित जल ना हो। क्या काम देखते हैं अच्छा और जाए जलेगा फिर इनका देखो जा रहे हैं नगर निगम के अधिकारी को इनको बाकायदा इंस्पेक्शन करा रहे हैं। सर्टिफिकेट ले रहे हैं इसे कोई भी सिविल लाइन में लीकेज नहीं और अगर है तो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाए। छिड़काव भी समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि जो लावा मच्छर वगैरह हैं उनकी वजह से जो बीमारी फैलती है क्योंकि बाढ़ के बाद या जलभराव के बाद जब पानी रिसीव करता है तो कई बार वहां भी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है।